भारत की क्रिकेट टीम पहली बार एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जा रही है। जी हां, हांगझू एशियन गेम्स में भारत की क्रिकेट टीम खेलने के लिए जाने वाली है और यह पहला अवसर होगा जब टीम इंडिया इसमें खेलेगी। हालांकि यह पहला अवसर है जब भारतीय टीम इसमें हिस्सा ले रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत की ओर से रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा आपको खेलते हुए इस एशियन गेम्स में नहीं दिखने वाले। वो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हांगझू में होने वाले एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम हिस्सा लेने जा रही है, ये बात तय हो गई है। बीसीसीआई के अपेक्स काउंसिल की बैठक में यह तय कर दिया गया कि टीम इंडिया पहली बार एशियाड खेलेगी। हालांकि इस टीम में आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी नहीं दिखेंगे और इसकी वजह भी है, और वजह यह है कि एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप का जो टाइमिंग है ना, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। एशियन गेम्स 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रही है और भारत का पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो ऐसी स्थिति में यह तय है कि जो भी खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए चुने जाएंगे वो एशियन गेम्स खेलने नहीं जा सकते। तो यह बात तय हो गई और यही वजह है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जिनका कि तय है कि वो वर्ल्ड कप की टीम में होंगे, वो एशियन गेम्स नहीं खेल पाएंगे। कारण सिर्फ इतनी ही है और कोई बात नहीं है। हम आपको बता दें कि इस बार एशियन गेम्स में भारत की महिला क्रिकेट टीम भी हिस्सा लेगी। हालांकि वहां ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि विमेंस क्रिकेट टीम का उस समय कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है, इसलिए हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में जो भारत की परफेक्ट टीम है वो जो है एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जाएगी। लेकिन वो बातें भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त जो है वर्ल्ड कप होना है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये एक अवसर जरूर है कि एशियन गेम्स में उन युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है जो वनडे के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। भारत का जो बेंच स्ट्रेंथ है उसे बहुत स्ट्रांग कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि उस बेंच स्ट्रेंथ की परीक्षा भी हो जाएगी। आपको यह भी बता दूं कि एशियन गेम्स में जो क्रिकेट शामिल होगा उसमें जिस फॉर्मेट में ये खेला जाएगा एशियन गेम्स, वो T20 का फॉर्मेट होगा। तो भारतीय टीम उसमें शिरकत करने जा रही है और जो वर्ल्ड कप में चुने जाएंगे खिलाड़ी वो उसमें नहीं जाएंगे, और युवा खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा मौका होने जा रहा है। कौन बनेंगे टीम के कप्तान, इस पर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। शिखर धवन का नाम सबसे आगे आ रहा है, लेकिन एक बात अगर मैं लाइटर नोट पर कहूं तो यह पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर एशियन गेम्स के टीम की हम बात करें तो वो 15 जुलाई तक घोषित कर देनी है। तो अब जो है जिन खिलाड़ियों का नाम एशियन गेम्स के लिए भारत की क्रिकेट टीम में आएगा उन्हें यह पता करना मुश्किल हो जाएगा कि वो खुश हों या दुखी, क्योंकि अगर वो इस टीम में चुने गए तो ये खुश होने की बात है, लेकिन इस टीम में शामिल होने का मतलब है कि आपका पत्ता वर्ल्ड कप की टीम से कट चुका है। खैर, ये हंसी मजाक की बातें थी। हम अभी आपके लिए सूचना ये लेकर आए हैं कि पहली बार भारत की क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जा रही है। हालांकि इससे पहले एशियन गेम्स में 2010 और 2014 में क्रिकेट को शामिल किया गया था, लेकिन उस वक्त भारत की क्रिकेट टीम उसमें शिरकत करने के लिए नहीं गई थी। तो यह पहला अवसर होगा जब भारत की क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में हिस्सा लेगी। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।